इसमें खुशहाली के लिए बाहरी सामग्री का उपयोग करना सीखा जाता है। सिर्फ आपकी खुशहाली नहीं बल्कि कई लोगों की खुशहाली। मैंने गायत्री जाप किया था। गायत्री एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। उसकी प्रकृति बहुत अलग है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पूरी तरह व्यक्ति की भीतरी या आध्यात्मिक उन्नति या उस आयाम की ओर केंद्रित हो। इसमें विभिन्न चीजें शामिल हैं। इसलिए आम तौर पर यह हर गृहस्थ को सिखाया जाता था ताकि कम केंद्रित लोगों को सेहत, खुशहाली और जीवन के दूसरे पहलुओं में थोड़ी मदद मिल सके। तो गायत्री मंत्र गंभीर आध्यात्मिक साधक के लिए जरूरी नहीं है। ये गृहस्थ के लिए ठीक है जिसके लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया उसके जीवन का एक पहलू है। ये एक संभावना है अगर इसकी सही दीक्षा दी जाए। हम आम तौर पर ये चीजें नहीं करते क्योंकि देवी को छोड़कर यहां आध्यात्मिक प्रक्रिया में रस्में बिल्कुल नहीं हैं। किसी प्रक्रिया को भीतरी बनाना थोड़ा अधिक जटिल और सूक्ष्म है, पर बाहरी प्रक्रियाओं से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। जब हम भीतरी आयाम रचने के लिए बाहरी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रक्रिया काल और स्थान की एक सीमा में बंध जाती है। हम कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ चीजें नहीं कर सकते। आप 24 घंटे आध्यात्मिक रूप से ऑन नहीं रह सकते अगर आप किसी बाहरी प्रक्रिया में शामिल हों तो। इससे अच्छा पोषण मिलता है पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये एक अच्छी मदद है। मदद की बात करें तो मदद करने के कई दूसरे तरीके हैं। सबसे बढ़कर जिन्हें यहां दीक्षा मिली है उनकी मदद हम एक बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। उन्हें बस मदद मांगनी होती है और वो जहां कहीं भी हों वहां मदद मिल जाती है। शिक्षकों और स्वयं सेवकों वगैरह के द्वारा मदद नहीं। एनर्जेटिक सपोर्ट इज अवेलेबल व्हेयरएवर दे आर। ऊर्जा के रूप में मदद उपलब्ध होती है वो जहां कहीं भी हों। इसलिए सभी को हर जगह ये मदद उपलब्ध कराने की हमारी क्षमता के कारण हमने मदद की रस्में स्थापित नहीं की। ये मंत्र उन सबसे लोकप्रिय चीजों में से एक है जिन्हें लंबे समय से देश में किया जा रहा है। लंबे समय से मतलब है खास तौर पर पिछले 4000 सालों में। मुझे लगता है आदि शंकर के बाद से उन्होंने इसे बहुत ज्यादा प्रचलित किया क्योंकि जब वो आए तो आम आबादी का एक तरह से पतन हो चुका था। इसलिए वो कुछ ऐसा सिखाना चाहते थे जो सभी के लिए हो। जैसे आज हम ईशा क्रिया सिखा रहे हैं सभी के लिए। गायत्री मंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई चीजें शामिल हैं और इसकी प्रकृति ऐसी है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आज ये महत्वपूर्ण नहीं है। यह हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा पर सामाजिक और इसकी बनावट की दृष्टि से यह आधुनिक जीवन में उतना फिट नहीं क्योंकि इसे सच्चाई बनाने के लिए कई चीजें जरूरी हैं।
आज के संसार में, क्योंकि आज इस धरती की एक बहुत बड़ी आबादी एक जगह पर नहीं रहती। मैं चाहता हूं कि आप पीछे मुड़कर हमारे अतीत को देखें। 500 साल पहले ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में उसी जगह उठते थे और उसी जगह सोते थे। इन द सेम प्लेस इन द सेम बिल्डिंग फॉर देयर होल लाइफ टाइम विदाउट वन डे ऑफ बीइंग आउट। उसी इमारत में जीवन भर एक दिन भी बाहर नहीं जाते थे। जीवन ऐसा हुआ करता था। आज मुझे लगता है बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, मेरे जैसे लोग। अगर मैं दो रातों तक एक ही बिस्तर पर सोता हूं तो मुझे लगता है कि ये सौभाग्य है। तो वो दिन जा चुके हैं। इसीलिए चीजों को करने की कुछ रस्में और कुछ तरीकों का महत्व काफी हद तक कम हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मूल साधना का महत्व खत्म हो गया है, नहीं, लेकिन सामाजिक चीजें बदल गई हैं, परिस्थितियों में बदलाव आया है, इसलिए वो प्रक्रियाएं आसानी से नहीं की जा सकती। प्रक्रिया को भीतरी बनाना सबसे अच्छा है। भीतरी प्रक्रिया कहीं भी की जा सकती है। वो इस पर आधारित नहीं है कि हम कैसी परिस्थिति में हैं, कैसे लोगों के साथ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो योग 100% भीतरी है। जिसे आप गायत्री कहते हैं, जिसे आप दूसरे कई नाम देते हैं, योग में हम इसे तंत्र योग कहते हैं। आज तंत्र बहुत अजीब तरीकों से प्रकट हो रहा है, खास तौर से पश्चिमी देशों में। और लोग सोचते हैं अगर कोई तंत्र शब्द कहे तो वो बेलगाम मेलजोल के बारे में सोचने लगते हैं। नहीं, तंत्र का सीधा मतलब है तकनीक। कई तरह के तंत्र होते हैं। अगर आप ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है तो उसे तंत्र कहते हैं। अगर आप ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं जिसमें कोई बाहरी पदार्थ शामिल नहीं है, अगर वो पूरी तरह भीतरी है, तो हम उसे योग कहते हैं। अगर आप तांत्रिक प्रक्रियाएं रचना चाहते हैं, अभी देवी मंदिर में एक आरती हो रही है, ये एक तरह का तंत्र है। वहां पूजा होती है, ये तंत्र है। अभिषेक होता है, ये तंत्र है। ये तकनीकें हैं एक तरह का प्रभाव पैदा करने के लिए। पर अब अगर आप तंत्र करना चाहते हैं तो आपको देवी के रूप की जरूरत है। इसमें कई बंधन हैं। तंत्र तब उपयोगी है जब लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते हों, वो चाहते हैं कि कोई और उनके लिए ये करे। तो एक व्यक्ति जिसने ये तंत्र सीख लिया है, वो इसे सबके लिए आसान बनाता है। The danger of tantra is exploitation. तंत्र का एक खतरा है शोषण। इस देश में एक शानदार तांत्रिक संस्कृति थी। पिछली दो पीढ़ियों में हमने उसे खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें इतना शोषण होने लगा कि यह बहुत भद्दा बन गया। तो हमने सोचा कि इसके बिना ही बेहतर है, इसलिए पिछली दो पीढ़ियों ने जीवन से रीति रिवाज हटा दिए, क्योंकि उनसे शोषण हो रहा था। तो भीतरी प्रक्रियाएं सुरक्षित हैं, इनसे शोषण नहीं हो सकता। ये आप पर आधारित हैं। Somebody can inspire you. कोई आपको प्रेरित कर सकता है, कोई आपको किसी शक्तिशाली प्रक्रिया में दीक्षित कर सकता है, बस इतना ही है। शोषण के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है। यह ऐसा ही होगा कि नहाने के पानी के साथ छोटे बच्चे को भी फेंक दिया। आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान पूर्वक संभाला गया तंत्र ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप अपना ये बचकाना विचार छोड़ दें, तंत्र का मतलब सेक्स है। नहीं, इसका कामुकता से कोई लेना देना नहीं है। इसमें चीजें करने के लिए बाहरी साधनों या उपायों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि
दोनों योगी और तांत्रिक वैज्ञानिकों जैसे होते हैं। वो ये देखते हैं कि कोई चीज काम कैसे करेगी, शायद वो किसी खास समाज या इतिहास के किसी खास समय के नैतिक मूल्यों में फिट ना हो। उसी कारण शायद उन्हें ये लेबल मिला, उसी वजह से उन्हें ये लेबल मिला, वरना इसका कामुकता से कोई लेना देना नहीं है। इसमें खुशहाली के लिए बाहरी सामग्री का उपयोग करना सीखा जाता है, सिर्फ आपकी खुशहाली नहीं बल्कि कई लोगों की खुशहाली। तो गायत्री मंत्र उसी आयाम से संबंधित है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बस आज ये उतना उपयोगी नहीं है। मंत्र एक शक्तिशाली प्रक्रिया है, लेकिन उनका इस्तेमाल ठीक से होना चाहिए और उनकी दीक्षा ठीक से होनी चाहिए। शक्तिशाली ध्वनियों के गलत उपयोग से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मैं अमेरिका में था और कोई एक महिला को कार्यक्रम में लेकर आया। वो 7 दिन का कार्यक्रम था और मेरे पास आने से लगभग 6 या 7 या लगभग 8 महीने पहले वो अपनी आवाज़ खो चुकी थी। आवाज़ पूरी तरह जा चुकी थी। वो हर डॉक्टर, हर एक्सपर्ट को दिखा चुकी थी। वो बिल्कुल नहीं बोल सकती थी। जब वो बोलने की कोशिश करती थी तो बस हवा बाहर आती थी, न कि ध्वनि। डॉक्टर्स को उनके गले में या वोकल कॉर्ड में कुछ भी गलत नहीं दिखा, सब ठीक था, पर वो बोल नहीं पाती थी। तो जब कुछ नहीं मिला तो वो स्वाभाविक रूप से कहने लगे कि कोई पॉलिप हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, शायद किसी तरह की गठिया वगैरह हो, और कोई सर्जरी की सलाह देने लगा। कुछ नहीं मिला तो वो खोल कर देखना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें मेरे पास लेकर आए। तो मैंने उनकी ओर देखा और उनसे पूछा, क्या आप कोई साधना करती हैं, कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया, क्या आप कोई मंत्र जाप करती हैं? उसके बाद मैंने कहा, ठीक है, आप कार्यक्रम कीजिए, देखते हैं। 1, 2, 3 दिन बीत गए। वो बेचैन होने लगी क्योंकि उनकी आवाज़ वापस नहीं आई और मैंने उनकी वोकल कॉर्ड के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। तो 4th दिन तक वो बहुत बेचैन थी। उसके बाद वो फिर आई और मैंने फिर उनसे पूछा, क्या आप कोई मंत्र करती हैं? जब मैंने उनकी ओर देखा तो मुझे लगा कि उन्होंने ज़रूर कुछ किया है। उन्हें देखकर मेरे लिए बहुत स्पष्ट हो गया कि उन्होंने कुछ किया है। उन्होंने कहा, नहीं। फिर मैंने पूछा, क्या आप किसी मंत्र के प्रभाव में आई थीं? क्या आप कहीं गई थी जहां शक्तिशाली मंत्र जाप हो रहा था और क्या आप उससे प्रभावित हुई थीं? उन्होंने कहा, नहीं। अंतिम दिन वो बहुत बेचैन थीं। उसके बाद फिर मैं उनसे मिला और मैंने कहा, देखिए, आपने ज़रूर कुछ किया होगा या आप कुछ मंत्रों के प्रभाव में आई होंगी। मुझे बताइए, आपने पिछले साल क्या किया था? 1.5 साल पहले आप कहाँ कहाँ गई थीं? तब उन्होंने कहा, वो लिखती थीं, वो बोल नहीं सकती। उन्होंने लिखा, मैंने गायत्री जाप किया था। ओह, मैंने कहा, आपने गायत्री कहाँ सीखा? उसने कहा, मैं भारत गई थी और मैं वहाँ से एक CD लाई थी। जब भी मैं काम पर जाती हूँ, अटलांटा का ट्रैफिक ऐसा है कि उन्हें ऑफिस पहुँचने में 2.5 घंटे लगते हैं और जब वो ट्रैफिक में फंसी होती हैं तो वो इस तरह गायत्री करती हैं। जब ट्रैफिक नहीं होता, जब वो ड्राइव करती हैं तो वो गायत्री को छोड़ देती हैं। जब उनके पास वक्त होता है तो वो बस 7 7 दोहराती हैं। वो एक अमेरिकी हैं, आप जानते ही हैं वो किस तरह मंत्र दोहराएंगी। शायद खुद CD ही गलत हो, और सबसे बड़ी बात है कि वो अमेरिकी हैं, संस्कृत के शब्द वो आसानी से नहीं बोल पाएंगी। नहीं, मैं अमेरिका के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा। अगर आपने भारत की भाषाएं नहीं बोली हैं तो संस्कृत बोलना बहुत मुश्किल होगा। तो तब मैं जान गया कि उन्होंने गायत्री का गलत उपयोग किया है। मैंने कहा, देखिए, अगर 3 महीनों के लिए आप आकर हमारे साथ भारत में रहती हैं तो हम कोशिश करेंगे, कोई गारंटी नहीं है, हम एक प्रयास करेंगे और देखेंगे। वो यहाँ आई और हमने उन्हें एक पूरी प्रक्रिया दी। 3 महीनों में उनकी आवाज़ लगभग 70% लौट आई। तब भी 30% आवाज़ नहीं थी। 30% नहीं होने का मतलब है, मैंने सबसे पहले उन्हें कहा, देखिए, बोलने की कोशिश मत कीजिए। दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बोल सकती हैं, बाकी समय मत बोलना। धीरे धीरे वो ठीक हो गई। फिर भी अगर उनकी भावनाओं में उथल पुथल होती तो आवाज़ चली जाती। अगर उनमें थोड़ी भावनात्मक उत्तेजना आ जाती तो आवाज़ चली जाती। 1 साल में वो लगभग 90% ठीक हो गई।
पर फिर उन्हें पता चला कि अगर वो गुस्सा हो जाती तो उनकी आवाज चली जाती। मैंने कहा, ये अच्छा है, इसे इसी तरह रहने देते हैं। जब आप गुस्सा होते हैं तो कम से कम आप अपनी आवाज खो देते हैं, कम से कम आप बुरी चीजें नहीं कहेंगे। तो लगभग 3-3.5 साल के बाद वो लगभग 100% ठीक हो गई। बस कभी कभी आवाज चली जाती थी, लेकिन वो 3-3.5 साल की साधना से लगभग 99% ठीक हो गई थी। तो मंत्रों का जाप खास सावधानी, सही निर्देशों और मार्गदर्शन के साथ करना चाहिए।